लिखें। कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट इज अ नॉमिनल अकाउंट एंड इट्स मेन पर्पस एंड इट्स मेन पर्पस इज टू एस्टिमेट एंड इट्स मेन पर्पस इज टू एस्टिमेट the profit or loss earn for any particular period. अंडरलाइन कर लेना कि जो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट है आपका वो नॉमिनल नेचर का अकाउंट है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। जो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट है आपका वो नॉमिनल नेचर का अकाउंट माना जाएगा। चलिए तो अब हम इन कंप्लीट के केस में कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट का फॉर्मेट बनाते हैं। लिख लिया ये पॉइंट, लिखेंगे कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। पर्टिकुलर्स अमाउंट और अमाउंट। ठीक है, ये हमारे पास डेबिट साइड ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट आ गई और इधर हमारे पास क्रेडिट साइड ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट आ जाएगी। आइएगा डायरेक्ट मटेरियल। अब देखिए डायरेक्ट मटेरियल की कॉस्ट हमारे पास आ सकती है परचेज्ड मटेरियल और इश्यूड फ्रॉम स्टोर। अगर हमने कोई मटेरियल डायरेक्टली किसी कॉन्ट्रैक्ट के लिए परचेस किया है तो वो कॉस्ट आ जाएगी, और अगर हमारे पास स्टोर में ऑलरेडी कोई मटेरियल पड़ा हुआ है तो हमारे पास उसकी भी वैल्यू आ जाएगी। टू वेजेस एंड सैलरीज, पेड प्लस पेबल, यानी जितनी वेजेस और सैलरी हमने पे कर दी है वो भी आएगी
और जो वेजेस और सैलरी ड्यू हो गई है लेकिन हमने अभी तक पे नहीं की है वो भी आ जाएगी। टू अदर डायरेक्ट एक्सपेंसेस, तो हमारे पास अदर डायरेक्ट एक्सपेंसेस आ जाएंगे। टू प्लांट इशूड, जो प्लांट हमने इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए स्पेसिफिकली परचेस किया है उस प्लांट की वैल्यू आ जाएगी। टू सब कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट, टू कॉस्ट ऑफ एक्स्ट्रा वर्क, और जितनी भी ओवरहेड इस काम को करने में लग रहे हैं वो सभी टू इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। यानी कुल मिलाकर जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो क्या है कि आपके पास इस कॉन्ट्रैक्ट पर जो भी खर्चे इनकर्ड हो रहे हैं वो सभी खर्चे आप कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में डेबिट कर देंगे। बाय मटीरियल रिटर्न, अगर हमने कोई मटीरियल रिटर्न कर दिया है तो उसकी कॉस्ट को कैंसिल कर देंगे। अगर हमारे पास कोई भी मटीरियल एट साइट पड़ा हुआ है तो वो भी हम अपनी कॉस्ट को कैंसिल कर देंगे। अगर हमने कुछ प्लांट रिटर्न कर दिया है तो उसको, लेकिन ध्यान रखना उसकी WDV निकालोगे। हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि अगर कोई भी प्लांट आपने रिटर्न किया है तो जितने समय तक आपने उसको यूज किया उसका डेप्रिसिएशन हटाकर रिमेनिंग WDV को ही कैंसिल किया जाएगा। By plant at site, ये भी आपके पास प्लांट की WDV आ जाएगी। हाँ बिल्कुल, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन आपको गिवन होगी उसी के आधार पर, या फिर अगर SLM होगा तो लाइफ इन ईयर्स आपको गिवन होगी। अब चूंकि ये कॉन्ट्रैक्ट इनकम्प्लीट है तो हम यहां पर कॉन्ट्रैक्ट प्राइस नहीं लिख सकते। हमारी जो सारी चर्चा थी वो इसी बात को लेकर थी। देखिएगा, जो कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो गए थे उनमें मैंने यहां पर कॉन्ट्रैक्टी से अमाउंट ड्यू कर दिया और अपना एक्चुअल प्रॉफिट लॉस निकाल लिया। लेकिन अब समस्या यह है कि यह कॉन्ट्रैक्ट इनकंप्लीट कॉन्ट्रैक्ट है, तो बाय वर्क इन प्रोग्रेस WIP, इसमें मेरे पास एक तो आएगा वर्क सर्टिफाइड, और एक आएगा वर्क अनसर्टिफाइड। ये लीजिए, यानी चूंकि ये कॉन्ट्रैक्ट इनकंप्लीट है तो मैं कॉन्ट्रैक्ट की प्राइस नहीं लिखूंगा,
मैं केवल वर्क सर्टिफाइड और वर्क अनसर्टिफाइड की वैल्यू लिख दूंगा। और अब मेरे पास बैलेंसिंग फिगर आएगा टू नोशनल प्रॉफिट। ये लीजिए, ये मेरे पास क्या आ गया, नोशनल प्रॉफिट की वैल्यू आ गई। ये जो नोशनल प्रॉफिट है इसको वापस से कैरी कर दूंगा बाय नोशनल। अब उसके बाद ये देखूंगा कि इस नोशनल प्रॉफिट में से पीएनएल में कितना जाएगा। टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बाकी का जो बचेगा टू WIP रिजर्व अकाउंट। ये लीजिए, ये आपका कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट का फॉर्मेट हो गया। बहुत ध्यान से सुनना, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाया उसमें बैलेंसिंग फिगर जो निकला दैट विल बी कॉल्ड एज नोशनल प्रॉफिट। अब इस नोशनल प्रॉफिट का कुछ हिस्सा तो पीएनएल में जाएगा और कुछ हिस्सा WIP रिजर्व में जाएगा। तो यानी नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कि आपका कितना हिस्सा तो जाएगा पीएनएल में और कितना हिस्सा आपका जाएगा WIP रिजर्व में। तो अब यहां पर हमें एक गाइडलाइन फॉलो करनी है लिखेंगे। गाइडलाइन टू बी फॉलोड इन रेस्पेक्ट ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ नोशनल प्रॉफिट। हमने जो नोशनल प्रॉफिट कैलकुलेट किया है, अब उस नोशनल प्रॉफिट के दो हिस्से होंगे, ध्यान से समझना। उस नोशनल प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा तो जाएगा पीएनएल अकाउंट में और कुछ हिस्सा जाएगा WIP रिजर्व में। तो अब बात ये आती है कि नोशनल प्रॉफिट का कितना हिस्सा पीएनएल में जाएगा और कितना हिस्सा WIP रिजर्व में जाएगा। तो उसके लिए हमें एक गाइडलाइन दी गई है, तो हमें उस गाइडलाइन को फॉलो करना है। सबसे पहले है केस ए। इस गाइडलाइन की पहली सिचुएशन, लिखें व्हेन वर्क सर्टिफाइड व्हेन वर्क सर्टिफाइड इज is less than or equal to 25% of contract price
यानी आप वर्क सर्टिफाइड का कॉन्ट्रैक्ट प्राइस पर परसेंटेज निकालेंगे फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ नोशनल प्रॉफिट। मुझे क्या करना है, मैं सबसे पहले वर्क ध्यान से सुनना, मैं वर्क सर्टिफाइड का कॉन्ट्रैक्ट प्राइस पर परसेंटेज निकालूंगा, और अगर वो परसेंटेज लेस देन और इक्वल टू 25% आया, लिखेंगे एंटायर प्रॉफिट। विल बी ट्रांसफर्ड एंटायर प्रॉफिट विल बी ट्रांसफर्ड टू WIP रिजर्व अकाउंट। लीजिएगा, पहली गाइडलाइन का पॉइंट आ गया, अगर आपके वर्क सर्टिफाइड का परसेंटेज लेस देन और इक्वल टू 25% ऑफ कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है, तो जितना भी नोशनल प्रॉफिट आपने निकाला है वो पूरा का पूरा जो नोशनल प्रॉफिट है वो WIP रिजर्व में जाएगा। नो एलिमेंट ऑफ नो एलिमेंट ऑफ नोशनल प्रॉफिट, नो एलिमेंट ऑफ नोशनल प्रॉफिट विल बी ट्रांसफर्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये लीजिए गाइडलाइन का पहला केस आपको बिल्कुल क्लियरली समझ आ गया, आपने जैसे ही वर्क सर्टिफाइड का कॉन्ट्रैक्ट प्राइस पर परसेंटेज निकाला और वो परसेंटेज अगर इक्वल टू और लेस देन 25% है तो P&L में कुछ भी अमाउंट नहीं जाएगा, सारा का सारा अमाउंट WIP रिजर्व में जाएगा। केस बी, When work certified is more than 25%, बट लेस देन 50%, ऑफ कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, व्हेन वर्क सर्टिफाइड इज मोर देन 25% बट लेस देन 50% ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। अगर ये सिचुएशन आपके पास आई, लिखें अमाउंट ट्रांसफर्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट विल बी, अब हम अमाउंट ट्रांसफर्ड टू P&L निकालेंगे, कैसे निकलेगा देखिएगा,
नोशनल प्रॉफिट, इंटू 1/3 इंटू कैश रिसीव्ड डिवाइडेड बाय वर्क सर्टिफाइड। ये लीजिए, बहुत ध्यान से सुनना, अगर आपके पास वर्क सर्टिफाइड मोर देन 25% बट लेस देन 50% ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है, तो जो पीएनएल में जाएगा वो इस फॉर्मूले से निकालोगे, नोशनल प्रॉफिट इंटू 1/3 इंटू कैश रिसीव्ड अपॉन वर्क सर्टिफाइड। तो देखिएगा, अमाउंट ट्रांसफर्ड टू WIP रिजर्व कैसे निकालोगे, तो नोशनल प्रॉफिट माइनस अमाउंट ट्रांसफर्ड टू P&L अकाउंट। ये लीजिएगा, यानी मेरी बात को बहुत ध्यान से समझो, इस फॉर्मूले से जो अमाउंट आएगा वो तो P&L में चला जाएगा। अब टोटल नोशनल प्रॉफिट में से P&L का अमाउंट माइनस कर दोगे तो रिमेनिंग जो वैल्यू बचेगी वो आपकी WIP रिजर्व में चली जाएगी। बोलो क्लियर है, समझ आ रहा है कृष्णा? फॉर्मूले है बस, नोशनल प्रॉफिट निकालना है और गाइडलाइन अप्लाई करनी है, गाइडलाइन का जो पॉइंट एप्लीकेबल होगा उस अकॉर्डिंग P&L का अमाउंट आ जाएगा। केसी व्हेन वर्क सर्टिफाइड इज 50% और मोर बट अप टू 90% ऑफ कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। लीजिएगा, एसी क्या है कि अब जो वर्क सर्टिफाइड है वो 50% या उससे ज्यादा होगा बट अप टू 90% ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट प्राइस होगा, यानी अप टू 90% तक ही रहेगा, 90% के ऊपर नहीं। तो इस केस में अब क्या होगा, अमाउंट ट्रांसफर्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट विल बी अब जो अमाउंट हम P&L में ले जाएंगे वो कैसे निकालोगे, नोशनल प्रॉफिट इंटू 2/3
कैश रिसीव्ड डिवाइडेड बाय वर्क सर्टिफाइड, ये लीजिए। यानी केस बी में और केस सी में परसेंटेज की वजह से बस एक ही चेंज आता है, यहां 1/3 रहेगा और यहां पर आपके पास 2/3 रहेगा। और लिखे केस डी, केस डी व्हेनेवर देयर इज नोशनल लॉस देन एंटायर लॉस अमाउंट यानी प्रॉफिट के बजाय अब कॉन्ट्रैक्ट पर लॉस हो गया, यानी सर्टिफाइड और अनसर्टिफाइड की वैल्यू प्लस क्रेडिट साइड का जो टोटल है वो कम है और डेबिट साइड का टोटल बहुत ज्यादा हो गया, आपने खर्चे बहुत ज्यादा कर दिए, तो अगर वहां पर नोशनल लॉस आ गया तो देन एंटायर लॉस अमाउंट शुड बी ट्रांसफर्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बताइए क्या ये चारों पॉइंट आपके पास बिल्कुल क्लियर हैं? चार गाइडलाइन के पॉइंट दिए गए नोशनल प्रॉफिट को लेकर। आपको कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाना है, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाकर आपको नोशनल प्रॉफिट निकालना है, फिर नोशनल प्रॉफिट के आने के बाद, नोशनल प्रॉफिट आने के बाद गाइडलाइन अप्लाई करनी है, अगर केस ए लग रहा है तो उसका ट्रीटमेंट, अगर केस बी लग रहा है तो उसका ट्रीटमेंट, केस सी है तो उसका ट्रीटमेंट और केस डी है आपके पास तो उसका ट्रीटमेंट। क्लियर है? केस ए क्या था आपका, अगर आपका वर्क सर्टिफाइड का जो परसेंटेज है वो 25% या उससे कम है कॉन्ट्रैक्ट प्राइस के, यानी आपको परसेंटेज निकालना पड़ेगा वर्क सर्टिफाइड का कॉन्ट्रैक्ट प्राइस पर, और अगर वो लेस देन 25% आता है तो जितना भी नोशनल प्रॉफिट आपने कमाया है वो पूरा का पूरा WIP रिजर्व में जाएगा, P&L में कोई अमाउंट ट्रांसफर नहीं होगा। दूसरा, अगर आपके वर्क सर्टिफाइड की वैल्यू 25% से ज्यादा है लेकिन 50% से कम है तो P&L में जो अमाउंट जाएगा वो इस फॉर्मूले से कैलकुलेट होगा, यानी नोशनल प्रॉफिट इंटू 1/3 इंटू कैश रिसीव्ड अपॉन वर्क सर्टिफाइड, और नोशनल प्रॉफिट में से ये जो ऊपर आपने P&L का अमाउंट निकाला है अगर ये अमाउंट डिडक्ट कर दोगे तो रिमेनिंग वो आ जाएगा जो WIP रिजर्व में ट्रांसफर होगा। केस सी, अगर आपका वर्क सर्टिफाइड 50% या उससे ज्यादा है बट अप टू 90% है तो 1/3 की जगह यहां पर फॉर्मूले में क्या लग जाएगा, 2/3 लग जाएगा इनटू कैश रिसीव्ड अपॉन वर्क सर्टिफाइड। और अगर नोशनल प्रॉफिट के बजाय कॉन्ट्रैक्ट में आपके पास लॉस आ गया तो बिना सोचे समझे जो पूरा का पूरा लॉस है आप उस लॉस को P&L अकाउंट में क्या कर देंगे, ट्रांसफर कर देंगे। अब आपके पास दिमाग में एक बात आती है, मोर देन 90% हुआ तो क्या होगा? तो देखिए मोर देन 90% जाएगा तो वो हमारा एक सेपरेट टॉपिक बनेगा जिस टॉपिक का नाम होता है कॉन्ट्रैक्ट नियरर टू कंप्लीशन। यानी अगर आपका काम वर्क सर्टिफाइड मोर देन 90% हो गया तो मोर देन 90% का मतलब होता है कि अब वो कॉन्ट्रैक्ट नियरर टू कंप्लीशन है, और अगर वो कॉन्ट्रैक्ट नियरर टू कंप्लीशन है तो उनकी अकाउंटिंग अलग तरीके से की जाएगी। यहां पर जो हमारे पास नोशनल प्रॉफिट की गाइडलाइन है वो केवल अप टू 90% पर ही लगेगी।
बताओ क्लियर है बिल्कुल। यहां तक आने के बाद अब आपका ये पार्ट कंप्लीट हो गया है। अब हमें क्वेश्चन करने हैं इस पार्ट के सारे, जिसमें हमें कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाकर सबसे पहले नोशनल प्रॉफिट निकालना है, फिर इस नोशनल प्रॉफिट को कैरी फॉरवर्ड करना है, और गाइडलाइन के पॉइंट के अकॉर्डिंग हम गाइडलाइन देखेंगे, और अगर गाइडलाइन के अकॉर्डिंग जो भी सिचुएशन लग रही होगी उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग हम दोनों की वैल्यू निकाल लेंगे कि भैया पीएनएल अकाउंट में कितना जाएगा और WIP रिजर्व अकाउंट में कितना जाएगा। अब बताइए यहां तक आपको कोई भी बात पूछनी हो इसमें तो मुझे आप बताएं, क्योंकि अब आपका ये सारा थ्योरिटिकल पार्ट कंप्लीट है और अब हमारा इसका प्रैक्टिकल जो काम है वो चालू हो जाएगा। चलिए क्लियर है बिल्कुल। तो अब हम क्वेश्चन कल से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि कल से ही हमारे पास अभी इतना टाइम नहीं है हम क्वेश्चन कर सके, तो हम कल से इसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन फ्रॉम अवर स्टडी मटेरियल स्कैनर और कुछ और भी क्वेश्चंस जो मैं आपको करवाऊंगा वो हम टॉपिक बाय टॉपिक करते चलेंगे। फिर जैसे ही आप इसमें बिल्कुल परफेक्ट हो जाओगे तो हमारे पास अगला टॉपिक आ जाएगा मोर देन 90 वाला, एंड देन हमारा फिर ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा।